नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वन हैंडेड मोड के बारे में बताऊंगा, आप किस तरह से अपने स्मार्टफोन में वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए कि आपका दूसरा हाथ किसी वस्तु से घिरा हुआ है जिसके कारणवश आप अपने स्मार्टफोन को दूसरा हाथ नहीं लगा सकते, यानी कि दोनों हाथ से आप अपने स्मार्टफोन को किसी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे में एमआई स्मार्टफोन में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है वन हैंडेड मोड के नाम से, जिसमें दोस्तों आप जो है बहुत ही आसानी से अपने एक हाथ से अपने स्मार्टफोन को पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने मतलब इसी तरीके से एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपने स्मार्टफोन को आप पकड़ते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको अपने स्मार्टफोन की पूरी स्क्रीन को हैंडल करने में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है जब आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को ऊपर से स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका स्मार्टफोन आपके मतलब के हाथ से छूट करके कभी कभी नीचे भी गिर जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी नुकसान भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में आप वन हैंडेड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इनेबल करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग दिखाई दे रही होगी, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग जो है मतलब सर्च करना होगा। तो दोस्तों मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद हमें जो है नीचे की ओर एडिशनल सेटिंग के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपके जो है स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे मिल चुका है तो हम इसको जो है क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड के नाम से एक ऑप्शन और मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो इस ऑप्शन को मतलब इनेबल कर देंगे। अगर आपका ये ऑफ है तो आप इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को 4.5 इंचेस में यूज करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को 4.0 इंचेस में यूज करना चाह रहे हैं, या फिर 3.5 इंचेस की स्क्रीन में यूज करना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे मीडियम यानी कि 4.0 इंचेस की स्क्रीन पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे होम की बटन को प्रेस करते हैं। अब दोस्तों यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपके मतलब दूसरा हाथ किसी वस्तु से घिरा हुआ हो और आप अपने स्मार्टफोन को अपना दूसरा हाथ नहीं लगा पाएंगे, दोस्तों आप जो अपने स्मार्टफोन को जो है यहां पे होम की के बटन पे प्रेस करके इधर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो आपका वन हैंडेड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये स्क्रीन आपकी जो है छोटी सी यहां पे कन्वर्ट हो चुकी है और अब आप यहां पे दोस्तों एक हाथ से इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऊपर से आपको नोटिफिकेशन बार भी मतलब निकालने का ऑप्शन मिल जाता है यहां पर। मतलब कहने का यह है कि आप पूरे तरीके से पूरे स्मार्टफोन को जिस तरह आप बड़ी स्क्रीन में यूज करते हैं उस तरीके से यहां पे आप छोटी स्क्रीन में यूज कर पाएंगे। ये ऑप्शंस आपके लिए काफी लाभदायक है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे इस ऑप्शंस की ये लगी कि आप इसमें जो है छोटी बड़ी स्क्रीन भी अपनी हिसाब से रख सकते हैं। दोस्तों आपको यहां पे मतलब क्लिक करना है सेटिंग वाले बटन पे और यहां पर अगर आप 4.5 इंचेस में रखना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी यहां पे हो जाएगी, या फिर 3.5 इंचेस में रखना चाह रहे हैं तो और भी ज्यादा छोटी आपकी स्क्रीन यहां पे हो जाएगी। अगर दोस्तों आप जो है इस वाले हाथ से मतलब इसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप जो यहां पे क्लिक करेंगे होम की के बटन पे और इधर की ओर स्क्रॉल करके आप जो इधर की ओर भी अपनी स्क्रीन को छोटा बना सकते हैं, यानी कि छोटी स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आसानी से आप अपने स्मार्टफोन को वन हैंडेड मोड से यानी कि वन हैंड से यहां पे यूज कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये ऑप्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये ऑप्शन आपको पसंद आया तो हमें इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को मतलब कि यहां से हटाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको यहां पे क्लिक करना है, आपकी स्क्रीन कंप्लीटली फुल हो जाएगी और वहां से जो है आपको इसको मतलब कि डिसेबल करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब आप इसको यहां से यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।